वेलकम है गाइस श्री सांवरिया होम्स में। और इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष में मैं आपको सबसे पहले तो आजादी की ढेर शुभकामनाएं दूंगा और उसके साथ आपको आजादी दिलवाने की कोशिश करूंगा रेंट के फ्लैट से अपने फ्लैट की ओर। आपके लिए लेकर आया हूं 3 BHK की प्रॉपर्टी। इतनी रिजनेबल कि दिल्ली में अगर आप सोचते थे कि अपना घर लेना नामुमकिन है तो ये मुमकिन करेगा श्री सांवरिया होम्स। 3 BHK की प्रॉपर्टी, 100 स्क्वायर यार्ड का पूरा फ्लैट, मेट्रो से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर, और सभी फैसिलिटीज अमेनिटीज की बात करूं, बैंक्स, सुपरमार्केट, मार्केट, मेट्रो स्टेशन, मेन रोड से कनेक्टिविटी और आसपास के जितने भी रोड हैं बहुत खूबसूरत बने हैं, बहुत पक्के बने हैं, तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। गेटेड हमारी सोसाइटी है। आप अगर इस प्रॉपर्टी पर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत ये प्रॉपर्टी बनी है। तो गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्री सांवरिया होम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इंडिपेंडेंस डे की खुशी में आपको ये एक ऑफर मिलने वाला है, तो इसको गवाइएगा मत। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी। कैसा लगा आपको ये फ्लैट? अब मैं आपको पूरे प्रॉपर्टी का, पूरे फ्लैट का जो टूर करवाने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। आ जाइए गाइस, बहुत ह्यूज अल्ट्रा लग्जूरियस 3 BHK फ्लैट के अंदर आप सभी का स्वागत है। एंट्री में कर चुका हूं इस प्रॉपर्टी के अंदर, और लिविंग एरिया की अगर बात करूं, एल टाइप के सोफे के साथ आपको मंदिर का स्पेस, टीवी कैबिनेट, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। ये फुली फर्निश फ्लैट है। मेरे सामने आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्रेश लुक में आपको जो है एल टाइप का सोफा दिया है, सेंटर टेबल दिया है, कुछ सीट्स अलग से प्रोवाइडेड की है, और ये है आपका बहुत ज्यादा अमेजिंग इंटीरियर। यहां पर आपको ग्लासेस का वर्क मिलेगा,
आप वुडन पैटर्न देख सकते हैं, तो बहुत ह्यूज और बहुत ज़्यादा लग्जूरियस आपका जो है पूरा का पूरा लिविंग हॉल रहने वाला है। अगर मैं इसकी फॉल सीलिंग की बात करूं तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, शैंडलियर आपको बहुत सोबर सा और मल्टीपल लाइट्स के साथ मिलने वाला है। शैंडलियर फॉल सीलिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। तो ये था वन साइड, वन पोर्शन ऑफ योर लिविंग हॉल। अगर मैं इसके साथ ही बात करूं तो यहाँ आपको एक मंदिर का स्पेस दिया गया है। बहुत सी रिक्वायरमेंट रहती है सर हमारे पास कि मंदिर का स्पेस दीजिए, फ्रिज का स्पेस दीजिए, तो आपकी रिक्वायरमेंट इस रिजनेबल प्राइस में सभी कंप्लीट होने वाली है। मंदिर देखिए आप, वाइट लुक में बहुत प्यारा मंदिर आपको इस प्रॉपर्टी में मिलने वाला है। एंड इसके अपोजिट साइड पे मैं बात करूं तो ये है आपका टीवी कैबिनेट, बहुत बड़े साइज का टीवी कैबिनेट है। कलर कंट्रास्ट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं मिलेगा। यहां पर आप अपना मैक्स टू मैक्स साइज का एलईडी लगाइए। स्पेस आप देखिए, स्पेस आपको जो है बहुत ज्यादा, पूरे फ्लैट में बहुत ज्यादा स्पेस मिलने वाला है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ग्रेइश, आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रास का वर्क मिला है। एंड इस प्रॉपर्टी की मैं आपको एक बार मैपिंग्स जरूर समझा देता हूँ। यहाँ से हमने एंटर किया था, मेरे बेडरूम्स की बात करूँ तो एक बेडरूम आपको बिल्कुल मेरे राइट में मिलेगा। ये है आपकी किचन जो कि ओपन मॉड्यूलर किचन रहने वाली है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एंड मेरे दो बेडरूम आपको लेफ्ट साइड यानी कि फ्रंट साइड पर मिलने वाले हैं। एंड बालकनी बहुत ह्यूज साइज की है। तो जस्ट एंटर करते हैं हमारे किचन के अंदर। किचन आप देखेंगे तो साइजिंग्स में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं मिलेगा। आपको मार्बल्स की बात करूं, यहाँ पर सभी बास्केट्स की बात करूं, तो हर चीज जो आप सोच नहीं सकते वो इस किचन में आपको मिलने वाली है। वेंटिलेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है आज के टाइम पे, तो हमने एक आपको बहुत दमदार चिमनी लगा कर दी। एंड साथ में आपको ऊपर देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए विंडो एग्जॉस्ट का प्रोविजन ऑलरेडी किया है। ओवरहेड्स की अगर बात करूं तो यहां भी आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिलने वाला है, आप जरूर देखिएगा। पूरे के पूरे जो है बहुत बड़े बड़े ओवरहेड्स आपको मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको सिंक का प्रोविजन एंड नीचे जो है प्रॉपर ड्रेनेज का प्रोविजन दिया। एंड सभी सैनिटरी पूरे के पूरे फ्लैट में आपको ब्रांडेड यानी कि बहुत अच्छे ब्रांड के मिलने वाली है। किचन के एंट्रेंस पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये है आपका शोकेस एरिया। यहाँ पर आप अपने कुछ आइटम्स या फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे हमने एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाया है। तो ये थी आपकी बहुत बड़ी किचन। एंड इसका मैं फ्रिज का स्पेस भी आपको जरूर बताना चाहूंगा, आप यहाँ पर अपना फ्रिज लगा सकते हैं, स्पेस मेंशन है। एक और जगह है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रिज कहाँ लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एंटर करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। फुली फर्निश हमारा फ्लैट है। सभी बेडरूम्स की साइजिंग्स की अगर मैं बात करूं तो सभी बेडरूम स्टैंडर्ड साइज 12x11, 12x12 के जो है सभी बेडरूम्स मिलने वाले हैं। आप स्पेस देखिए, बहुत ह्यूज स्पेस इस बेडरूम में निकल कर आने वाला है। आपको स्टैंडर्ड साइज का बेड, 6x6 का बेड यहां पर दिया गया है। और अगर मैं फ्रंट वॉल की बात करूं, ब्राउनिश लुक है, लाइट ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे। यहां पर कुछ ग्लास कह सकते हैं या फिर एक ट्रांसपेर या फिर एक शीट आप कह सकते हैं वर्क किया गया है, क्विल्टिंग का वर्क किया गया है। एंड साइड में आपको ब्राउनिश और वाइट लुक जो मिलने वाली है, बहुत दमदार फ्लैट है गाइस। अपोजिट एरिया में बात करूं, हर बेडरूम में आपको वेंटिलेशन के साथ टीवी कैबिनेट मिलेगा और एक कबर्ड भी मिलेगी। तो टीवी कैबिनेट आप जरूर देखिए, वाइट ब्राउनिश लुक में टीवी कैबिनेट है। तो ये टीवी कैबिनेट आप देखेंगे बहुत अच्छे साइज का मिलने वाला है। आपको मैक्स टू मैक्स साइज के एलईडी लगाइए। कुछ आपको जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स या डेकोरेटिव आइटम रखने का स्पेस आपको मिला। आप इसको बुक शेल्फ भी बना सकते हैं, बुक्स रख सकते हैं अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं। मैं तो हूँ, आप अपना जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपको ड्रॉर्स मिलेंगे जहाँ पर आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, कीज रख सकते हैं, कुछ डायरीज रख सकते हैं। एंड इट्स अप टू यू क्या रख सकते हैं आप। इसका मैं अटैच वॉशरूम आपको अगर बताऊँ तो गाइज इतना स्पेस नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, जितना सांवरिया होम्स आपको बेडरूम में, वॉशरूम में, किचन में सब जगह देने वाला है। और प्राइस तो माशाल्लाह आपको पसंद आएगा इसका प्राइस भी। टाइलिंग्स बहुत खूबसूरत है। एंड अगेन सैनिटरी हमने नहीं लगाई क्योंकि हमारा ये बिल्कुल फ्रेश प्रॉपर्टी अभी रेडी हुआ है और विद इन 1 मंथ डिलीवर हो जाएगा। तो इंक्वायरी कीजिए, कॉल्स कीजिए, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा आप विजिट कीजिए, इस प्रॉपर्टी को एक बार देखिए। एंड ये है आपका वेंटिलेशन का एरिया। विंडोज ओपनेबल है, सेफ्टी के लिए आपको जो है ग्रिल प्रोवाइड की है। एंड ये है आपका विंडो एसी का एरिया, आप विंडो एसी लगाइए एंड अपनी फैमिली को खुश रखिए। तो ये हिस्सा है हमारे कवर्ड का, इसको आप बेबी कवर्ड भी बोल सकते हैं। बहुत प्यारा साइज वाइज
कबर्ड में आपको मिलेगा। एंड जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोला, हर बेडरूम में आपको कबर्ड मिलने वाला है। इसमें ऊपर भी आपको स्पेस मिलेगा जहां पर आप अपना स्टोरेज से रिलेटेड कोई भी सामान रख सकते हो। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, और जैसा मैंने आपको बोला था आपको फ्रिज का स्पेस बताऊंगा, तो ये है आपका सेकेंड एरिया जहां पर अपना बड़े से बड़ा फ्रिज लगा सकते हैं। गाइस स्विचिंग्स और सब कुछ आपको प्रोवाइड होने वाला है, फ्रिज लगाइए और मस्ती से रहिए अपने घर के अंदर। तो गाइस फर्स्ट बेडरूम और लिविंग हॉल और किचन के बाद अब मैं अपने इस प्रॉपर्टी के सेकेंड एरिया पर हूँ। एंड अगर आप इस लिविंग एरिया के स्पेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज का है, आपको विजिट एक बार तो ज़रूर करना बनता है, क्योंकि मेट्रो से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर यह प्रॉपर्टी, और प्राइस बहुत रिजनेबल है, लिटरली बता रहा हूँ बहुत रिजनेबल है। यह है हमारा लिविंग हॉल के साथ ही बालकनी का एरिया, जो कि मैं आपको, तो ये बालकनी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं अपना बेडरूम और अटैच वॉशरूम। तो फर्स्टली आप बेडरूम देखिएगा, ये सेकंड बेडरूम है, एंड इसकी भी साइजिंग, इसकी अगर सूरत साइजिंग है अराउंड 12 बाय 11 के आसपास, इसका जो स्पेस है ना, आप बहुत फ्रीली बेडरूम में रह सकते हैं, आप देखिएगा। अगर एंड अगर मैं हमारे प्रोडक्ट्स बेड या फिर गद्दों की भी बात करूं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड्स के जो हैं आपको बेड गद्दे मिलने वाले हैं। फ्रंट वॉल एक बार आप देखिएगा, क्विल्टिंग का वर्क, आप इसको किंग साइज बेडरूम बोल सकते हैं। साइजिंग्स में भी, डेकोरेशन में भी, इंटीरियर में भी A1 क्वालिटी यूज है, क्विल्टिंग आप देखेंगे। एंड ये क्लीन करना भी बहुत ईजी है, आप इनको ना इजिली हल्के से गीले कपड़े के साथ वाइप करके क्लीन कर सकते हैं, बहुत ईजी टू हैंडल है। साइड में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको कबर्ड्स का एरिया दिया गया है दोनों साइड, आप देखिएगा जरूर। हर बेडरूम में जैसा मैंने आपको कहा कबर्ड है, तो आप स्पेस एक बार देख सकते हैं, बहुत प्यारे स्पेस के साथ आपको जो है पूरा, पूरी वॉल पर आपको डेकोरेशन भी मिलेगी। लाइटिंग्स आप देख सकते हैं, ऊपर एक एरिया आपको दिया गया है, तो इंटरेस्टिंग हो जाता है आपको फ्लैट के या घर के अंदर रहना, क्योंकि बाहर तो आप वैसे भी सफोकेटेड या फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं, तो घर हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं आपके लिए। यह है टीवी कैबिनेट, इजिली अपने मैक्स टू मैक्स साइज की एलईडी लगाइए। बुक शेल्फ आपको मेंशन किया है, आप रख सकते हैं। ड्रॉर्स दिए हैं, कीज एंड ऑल कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड बेडरूम है। फॉल सीलिंग अगेन बहुत खूबसूरत है, फैंस इसमें लगे हैं। एंड मैं आपको दिखाता हूं कॉमन वॉशरूम, इतने ह्यूज साइज का कॉमन वॉशरूम है, सभी सैनिटरी के बाद स्पेस बचता, तो आप अपना जकूजी भी लगा सकते हैं, इतना बड़ा आपका जो है पूरा वॉशरूम रहने वाला है। टाइलिंग्स की बात करो, एंटी स्किड टाइल यूज है, वुडन पैटर्न है, सैनिटरी यहां लगाइए। टाइलिंग्स आप देखेंगे तो ब्लूइश लुक आपको मिलने वाली है, तो मैं कह सकता हूं एक सेलिब्रिटी के घर से आप कंपेयर कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, इतना खूबसूरत ये फ्लैट बना है। थर्ड बेडरूम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बेडरूम भी आपको पसंद आएगा, हमने कसर नहीं छोड़ी डिजाइन बनाने में, इंटीरियर को करने में, फिनिशिंग देने में। और तो ये है आपका फ्रंट वॉल, क्विल्टिंग का वर्क देखिए, आपको फ्रंट वॉल प्रॉपर जो है ब्राउनिश लुक में आपको मिलने वाली है, और साइड में देखेंगे तो आपको तो डार्क ब्राउन का एक डिजाइन मिलने वाला है। अगेन साइजिंग्स बहुत ज्यादा ह्यूज रहने वाली है। बेड के साथ आप देखेंगे तो आप साइड टेबल लगाइए, एक अपना कंप्यूटर टेबल भी लगा सकते हैं, इतना साइज आपको इस बेडरूम में मिलने वाला है। एंड वेंटिलेशन मैं आपको जरूर दिखा देता हूं, वेंटिलेशन जो है आपको बालकनी और साथ में यहां पर विंडोज मिलेगी, ओपनेबल विंडोज है, विंडो एसी लगाइए। इसकी फॉल सीलिंग एक बार जरूर दिखाइएगा सर, बहुत सोबर एंड डिसेंट स्टाइल के साथ आपकी जो है फॉल सीलिंग रहने वाली है। एंड मैं अगर अपने बेडरूम के डोर्स की भी बात करूं, तो यहां आप देखेंगे ना, कोई माइका यूज नहीं है, कुछ इस तरीके के आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं है, प्रॉपर वुडन का आपका जो है पूरा का पूरा दमदार डोर रहने वाला है, और सोबर सा एक डिजाइन आपको हर डोर पर मिलेगा। तो फाइनली हमारे वेंटिलेशन के सबसे बड़े सोर्स यानी कि हमारी बालकनी में आपको दिखा देता हूं, आ जाएंगे। बालकनी में ना चलते जाइए, ये खत्म नहीं होने वाली, कितनी बड़ी बालकनी है, मैं तो बोलूंगा यहां पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, इवनिंग में अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो अच्छा एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अगर आप थोड़े से क्रिएटिव है तो शांति इतनी है ना, इतनी है कि आप अपनी क्रिएटिविटीज बालकनी में ज़रूर निकाल सकते हैं। तो गाइस बहुत ह्यूज साइज की बालकनी है, सेफ्टी के लिए स्टेनलेस स्टील की ग्रिल्स आपको मिलेगी, वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, टैप्स एंड ड्रेनेज का प्रोविज़न हर बालकनी में आपको मिलेगा। अगेन इस प्रॉपर्टी में ना आपको इंटरनल फिटिंग्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की तो मिलती है,
एसी एंड ऑल की फिटिंग्स भी आपको इसमें मिलने वाली है, जैसे गीजर की फिटिंग होती है, एसी की वायरिंग्स होती है, तो वो ना इंटरनली आपको मिल जाएगी। यानी कि आपको आना है यहाँ पर, अपने क्लोथ्स रखने हैं, ग्रोसरी का जो भी सामान लाना है वो लाना है, और अपने विंडो से सीधा फिक्स करने हैं, कोई वायरिंग्स का काम आपको करने को यहाँ पर रहेगा नहीं। तो गाइस कैसा लगा आपको ये 3 BHK 100 स्क्वायर फीट फुली फर्निश्ड फ्लैट? और उसके साथ ही इंडिपेंडेंस डे की अगेन मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और बताऊंगा कि ये रिजनेबल फ्लैट हम बहुत अच्छे ऑफर्स के साथ निकाल रहे हैं। आपका अपना घर आपको आज़ादी दिलाएगा रेंट के होम से इस इंडिपेंडेंस डे की खुशी में। तो गाइस एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, आप यहाँ पर हैं, तो ऑब्वियसली आप विजिट जरूर कीजिएगा। आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपके डिस्प्ले पर ऑलरेडी चल रहा है, और साथ में हमारे एड्रेस भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस प्रॉपर्टी की कुछ अमेनिटीज और फैसिलिटीज की अगर बात करूं तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिलेगी। मेन रोड से कनेक्टिविटी है 300 मीटर अवे फ्रॉम द्वारका मोड़ मेट्रो, एंड सभी फैसिलिटीज जैसे कि आपको बिजली के कनेक्शन, पानी की सुविधा, और साथ में लोन और रजिस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। 90% के आसपास आपका लोन हो जाएगा, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आने वाली। अगर मैं बात करूं सुपरमार्केट्स की या फिर नियर बाय सोसाइटी की, तो प्रॉपर गेटेड सोसाइटी रहने वाली है। डोर स्टेप पर सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है, कैब, ब्लिंकिट या फिर किसी भी टाइप की ग्रोसरी के आपके डिलीवरी बॉय यहां पर इजिली आ सकते हैं। तो इजी टू कनेक्टेड है आपकी पूरी प्रॉपर्टी। और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टीज और बहुत रिजनेबल प्राइस पर लेकर आता रहूंगा। तो श्री सांवरिया होम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।